वैसे तो एक तरफ बिग बॉस को शायद कंटेस्टेंट्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि सारे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स ने बिग बॉस को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन इसी बीच एक कंटेस्टेंट जिन्होंने ऑलमोस्ट हाँ कर दी थी अब शायद वो भी ना करने जा रहे हैं क्योंकि बिग बॉस के साथ नहीं बल्कि कलर्स के मेकर्स के साथ हो गई है उनकी बहस। किस मामले पर बहस हुई है और क्या कुछ उन्होंने इल्ज़ाम बिग बॉस नहीं बल्कि कलर्स के मेकर्स पर लगाया है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि बिग बॉस की जहाँ तक बात आ रही है, बहुत सारे नाम तो सामने आ रहे हैं लेकिन उन नामों में से किसी भी नाम पर प्रॉपर ठप्पा नहीं लगा है और आई थिंक वो तब तक नहीं लगेगा जब तक प्रीमियर एपिसोड सामने नहीं आ जाता, विच इज़ फेयर एनफ क्योंकि पहले से सस्पेंस ब्रेक नहीं किया जा सकता। लेकिन जो क्वेश्चन मार्क है वो इस चीज़ पर है कि कुछ कंटेस्टेंट्स ने इनडायरेक्टली सही यू नो बार बार हिंट कर दिया है कि हाँ भाई हम जा रहे हैं बिग बॉस में। उनमें से एक नाम है कनिका मान का। कनिका मान का इस वक्त फिर से नाम सामने आ रहा है। जी हाँ, सोर्सेज ने एक बात कन्फर्म की है और ये बात इस वक्त सबसे बड़ी हाईलाइट है। सोर्सेज कहते हैं हैशटैग कनिका मान गेट्स इनटू एन आर्ग्यूमेंट विद चैनल ओवर फेवरेटिज्म ऑफ कलर्स फेस। जी हाँ, कलर्स टीवी के फेस एंड शोइंग हर सेल्फ नेगेटिव इन खतरों के खिलाड़ी हैशटैग बिग बॉस 16। अब ये जो लड़ाई है ये कलर्स के मेकर्स के साथ हो रही है खतरों के खिलाड़ी को लेकर। कनिका का ये दावा है और कनिका ने ये बार बार कहा है कि आप जो है कलर्स के फेसेस को फेवर कर रहे हैं, चाहे वो रूबीना हो, चाहे वो तुषार हो, निशांत हो, प्रतीक हो, आप इन लोगों को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं कंपेयर टू मी क्योंकि मैं कलर्स का स्पेसिफिकली कोई फेस नहीं हूँ एज सच, और फेवरेटिज्म जो है ये आप कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये इल्ज़ाम पहली बार नहीं लगे हैं, बिग बॉस के मेकर्स पर भी ये इल्ज़ाम पहले लग चुके हैं और कलर्स की जो टीम है उन पर भी इल्ज़ाम लग चुके हैं कि वो जब भी कोई शो लेते हैं वो कलर्स के जो फेसेस रह चुके हैं लोग, जैसे कि यू नो ऑफकोर्स तेजस्वी हो गई, सिद्धार्थ शुक्ला थे, रश्मि थी, जैस्मिन थे, सो ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कलर्स के स्पेसिफिकली फेस रह चुके हैं, रूबीना है ऑफकोर्स, इनको आप ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, इन पर आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, आप इनको ज़्यादा पॉजिटिव दिखाते हो और बाकी लोगों को आप नेगेटिव दिखाते हो, जिस पर चल के कनिका ने जो है ये इल्ज़ाम लगाया है कि आपने खतरों के खिलाड़ी में मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पोर्ट्रे किया है और इसीलिए मैं खफा हूँ। अब इस बात का असर शायद बिग बॉस पर पड़ सकता है क्योंकि कनिका जो है वो खतरों के खिलाड़ी को लेकर अपसेट हो गई है कि कलर्स ने किस तरीके से उन्हें नेगेटिव दिखाया है, तो शायद यही चीज़ बिग बॉस में भी उनके साथ होने वाली है। इस बात का डर कनिका को लग रहा है कि बिग बॉस में जाकर कहीं उनकी इमेज जो वो ठीक कर रही हैं या फिर जैसी उनकी इमेज है यू नो हॉट हैपनिंग गर्ल, बबली गर्ल जो कि खतरों के खिलाड़ी में थोड़ी बहुत एज अ लड़ाकू पर्सन बाहर आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिग बॉस में जाकर ये और वर्स्ट ना हो जाए, इस बात से कनिका को लग रहा है डर। सो डेफिनेटली क्या कनिका बिग बॉस में नजर आएंगे या नहीं, अब ये क्वेश्चन मार्क बन चुका है। आप क्या कहेंगे इस बात पर बताइए।